हम मुजाकरात के खिलाफ नहीं है, जिससे गलियां दे बंद लगे हैं ना, सारे बंद तोड़ देंगे, शोले शोले ठीक हो गए हैं, एनर्जी लेवल इधर था तो अब इधर आ गया है, और वो सिर्फ असीरों का पूछते हैं, अपने वर्कर का पूछते हैं, अपनी पार्टी का पूछते हैं, वो अपने घर का मातम करते पै रहे ना भाई, बिरार ने डिच कर छड़िया। अच्छा, वजीर आजम बनाने वास्ते बुलाया, आप वजीर आजम बन गए, देयर आर नो क्विक फिक्सेस। एहतजाज जारी है, इमरान खान साहब की केसेस में रिहाई होती है लेकिन रिहा नहीं होते, कब तक मामला आपके ठीक होंगे? एस्टेब्लिशमेंट से कोई रابطे चल रहे हैं, ये बैकडोर कोई रابطे चल रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट से कोई रابطा नहीं चल रहा, ठीक है, मेरा खान साहब किसी बैकडोर चैनल पे यकीन नहीं रखते। अच्छा, इस वक्त कोई ऐसा रابطा नहीं है, कोई मुजाकरात नहीं है, हम मुजाकरात के खिलाफ नहीं है, और खान साहब इस पर बड़ा वाजे अपना मौकफ दे चुके हैं, मगर वो मीनिंगफुल होने चाहिए। लेकिन अभी तो सारा मामला बंद गली में नहीं फंसा, निकले अभी तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि तमाम चीजें बंद गली में जाकर फंस चुकी हैं? जितने गलियां दे बंद लगे हैं ना, सारे बंद तोड़ देंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपकी भी मुलाकात होती होगी खान साहब से, कैसा उनका हौसला है, क्या पैगाम है? फिट, शोले शोले ठीक हो गए हैं, एनर्जी लेवल इधर था तो अब इधर आ गया है, और वो सिर्फ असीरों का पूछते हैं, अपने वर्कर का पूछते हैं, अपनी पार्टी का पूछते हैं। सर ये बताइएगा कि आपका सियासी इतिहाद चल रहा था, मौलाना फजल मान से आप लोगों की मुलाकातें भी हुई, वो कहाँ तक बातें पहुंची हैं? वो उसमें काफी सी प्रोग्रेस है, उसमें हमारी एक टीम जो है वो असद कैसर साहब और गौर भाई डील कर रहे हैं, पॉलिटिकल डायलॉग चलता रहता है, और इट इज़ गुड कि हम कितने इख्तलाफ रखते थे एक दूसरे से, मगर दोनों पार्टियों ने लचक दिखाई। सर ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब इस वक्त खामोश है, क्या लगता है? वो तो अब वो अपने घर का मातम करते पै रहे ना भाई, बिरार ने डिच कर छड़िया। अच्छा, वजीर आजम बनाने वास्ते बुलाया, आप वजीर आजम बन गए, ये फिर बंदा पंजाबी है, पंजाबी साड़ी जंगली पंजाबी है, कहते हैं 25 हो जाता बंदा। अच्छा, एक एक और चीज सर बताइएगा, पंजाब में पीटीआई सर वो फेडरल में तो हमें नजर आ रही है, पंजाब में वो चीज नजर नहीं आ रही, क्या? नहीं नहीं, पंजाब ने पिछले जुमे निकला है जो कि पिछले महीने से कई गुना बेहतर निकला है, हमारे पंजाब में ज्यादातर मेजोरिटी एमपीएस की यंगस्टर्स हैं, नए हैं, सो दे आर न्यू टू द सिस्टम, बट दे आर फाइटिंग टू देयर बेस्ट, एंड इंशाल्लाह जैसे आज देखें कैसे आए हैं, गर्मी शर्मी कोई किसी ने नहीं देखी, चीजें बेहतर होंगी, देयर आर नो क्विक फिक्सेस, जितने ही चीजें आगे जा चुकी है ना उसके लिए हमें कुर्बानी उतनी देनी पड़ेगी। लास्ट में ये बता दें कि फवाद चौधरी और बहुत से ऐसे लोग जो पीटीआई का हिस्सा थे, बाद में ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वापसी के लिए कोई रास्ता नहीं उनके लिए, या खान साहब डिसाइड करेंगे? खान साहब देखो, उन्होंने इमरान खान साहब नाल कीता जो कीता है, इमरान खान साहब दे चाहण नाल कीता जो कीता है, ये प्रोडक्टिव साडे लीडर दा मामला बेहतर कब से नजर आ रहे हैं? मामला बेहतर कब से नजर आने शुरू हो रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं बजट के बाद हालात चेंज हो रहे हैं। आपको बेहतर नहीं नजर आ रहा? नहीं, पीटीआई के वाले से गल सुनो यार, कैसे बादशाह हो तुम मीडिया वाले, मेरे दसो भाई, हमने इलेक्शन लड़ा रूपोशी में, आज हम आपके साथ खड़े हैं, बेहतरी नहीं है? ये बेहतरी कैसे आ रही है ये बता दें चले। जैसे भी आ रही है, सब हिम्मत कर रहे हैं, अल्लाह ताला हिम्मत दे रहा है, रब ने चीजों का वक्त मुकर्रर किया, और हम दुआ करते हैं कि खान की रिहाई का वक्त जल्दी आए।